चैनल कुंजा ऑफिशियल अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बेल आइकन उसे प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास है। आज का ब्लॉग जो है, जी हाँ, छठ इतवार ब्लॉग है, वो भी बैसाख का इतवार कैसे बैठाया जाता है वो है। तो नियम देखिएगा हमारे यहाँ कैसे होता है, मैं कैसे अर्घ देती हूँ, कैसे खरना करती हूँ, वो सारे चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ बारीकी से देखें, टाइम लेके देखें, और अगर कुछ छूट गया हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। किसी भी पूजा की शुरुआत, जी हाँ, आप लोग करें तो वो ब्रश से बिल्कुल ना करें। उस दिन मुँह धोए तो दतमन से, तो यहाँ पे देख सकते हो मैं दतमन से मुँह धो रही हूँ। नहा धोने के बाद मैं यहाँ पे देख सकते हो पैर में महावर लगाई और अलता लगाई। जी हाँ, पूजा पाठ करते हैं तो ये चीज़ ज़रूर करना चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हो फाइनली मैं जोड़ा मांग टीक पा रही हूँ अपनी मदर इन लॉ से। यहाँ पे पूजा के लिए हम दोनों आ गए हैं, उसके बाद पूजा की कैसी तैयारी हम लोग कर रहे हैं वो भी आप लोग को दिखाएंगे। तो फिलहाल मेरी मदर इन लॉ अभी जो है वो जोड़ा मांग मुझे टीक रही हैं। साड़ी आप देख रहे हो, जी हाँ, मैं इसमें कार्तिक का छठ की थी वही साड़ी से मैं अघन में उठाई थी, ब्लॉग देखे होंगे, और आज भी पहनी हूँ तो इसमें बैठाऊँगी। और इसके बाद, आज के बाद इसे मैं डेली यूज़ के लिए नहीं, कहीं आने जाने के लिए हो तो मैं इसको निकाल सकती हूँ, पहन सकती हूँ। तो ऐसे ही हमारे यहाँ होता है, मैं 2 साल से कर रही हूँ तो मुझे बहुत नॉलेज हो गया है, तो मैं सोची क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और यहाँ पे देख सकते हो फाइनली बर्तन धुला गया पूजा का, और यहाँ पे मैं दूध गर्म कर रही हूँ। जी हाँ, खीर बनाऊँगी, और गुड़ का खीर बनता है तो यहाँ पे मैं गुड़ का खीर बना रही हूँ। गुड़ का खीर बनाना बहुत ही ट्रिकी होता है, तो मैं कैसे बनाती हूँ वो भी मैं बता दूँ। तो मैं गुड़ और पानी, जी हाँ, दोनों को एक साथ खौला लेती हूँ, फिर उसके बाद चावल उसमें सिझा के और दूध गर्म करके रखी रहती हूँ, फिर उसमें डाल देती हूँ, तो मेरा जो दूध है वो फटता भी नहीं और अच्छा से गुड़ का खीर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो गुड़ का खीर जो है मेरा वो तैयार हो गया है। और उसके बाद अब हम लोग चलेंगे पूजा के लिए। तो यहाँ देख सकते हो एक बार फाइनली लुक दिखा रही हूँ खीर मेरा कैसा बना है, प्रसाद। जी हाँ, यहाँ पे प्रसाद मेरा बन के पूरी तरह से रेडी हो गया है, और अब चलिए हमारे साथ, जी हाँ, पूजा करने के लिए। तो पूजा की तैयारी मेरी मदर इन लॉ कैसे की, इधर मैं प्रसाद बना रही थी तब तक वो पूजा की तैयारी कर रही थी, तो पूजा की तैयारी भी बहुत ही अच्छा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले दिखाती हूँ, ये जो देख सकते हो ये तख्ती जो है इसी पे सौंपा जाता है। तो यहाँ पे इस बार अहिपन लगा के, जी हाँ, सिंदूर पिठारी लगाया जाता है, और ये शुभ होता है, किसी भी पूजा में किया जाता है। और यहाँ देख सकते हो ये जो है ये बरगुना बोलते हैं, गोल छिपली थाली इस तरह का पीतल का होता है, इसी में हाथ उठाया जाता है। जी हाँ, छठ इतवार में सूप का यूज नहीं किया जाता है। और यहाँ पे देख सकते हो मैं अपनी मदर इन लॉ को अर्घ देने के लिए, जी हाँ, आँचल में होता है पुष्प, होता है फूल, अक्षत, सिंदूर, ये डाला जाता है, और उसके बाद ही आप जो सूप होता है, जो पूजा का छठ जो उठाते हैं वो दिया जाता है। तो फिलहाल यहाँ देख सकते हो मैं अपने मदर इन लॉ को हाथ में दे रही हूँ, वो थोड़ा सा वेट कर रही हैं, यहाँ पे मैं दे रही हूँ, और मेरे मुझे देने के लिए कोई नहीं था तो मैं खुद ही अपने से ही ले ली। तो यहाँ पे थोड़ा सा गार्डन भी हुई छत पे है मेरा, तो मैं यहाँ से फूल तोड़ के हाथ में अच्छा सिंदूर लेके, और मैं उसके बाद अपना जो है वो थाली, यहाँ पे देख सकते हो पानी, जी हाँ, कभी भी अर्घ दे तो पैर पे पानी नहीं पड़ना चाहिए, सूर्य का जल जो होता है वो, तो इसीलिए आगे में रखा जाता है कोई बर्तन जिसमें पानी गिरे और पैर पर ना गिरे। फिलहाल मैं और मम्मी आ गए हैं यहाँ पे अर्घ देने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग अर्घ दे रहे हैं। धूप तो थी लेकिन हाँ थोड़ा ठंडा भी था उस दिन, ज़्यादा धूप नहीं था, चिलचिलाता धूप रहता है। फिलहाल हम लोग आ गए हैं, ये है वैशाख का इतवार, इसमें कैसे अर्घ दिया जाता है, कैसे बैठाया जाता है। तो फिलहाल अभी जो है वो अर्घ देने का टाइम आ गया, तो ये यहाँ पर कुंज के जो पापा हैं वो अर्घ दिला रहे हैं हम दोनों आदमी को। तो 5 बार हम लोग, जी हाँ, राउंड घूमना पड़ता है और उसके बाद अर्घ दिया जाता है। तो यहाँ पे वो जल जितनी बार जल गिराएंगे उतना राउंड हम लोग लगाते हैं, ऐसे ही होता है हमारे यहाँ। आप लोग के यहाँ कैसा होता है वो भी आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। तो फिलहाल अभी यही हो रहा है, तो आप लोग देखिए। तो यहाँ
यहाँ पे देख सकते हो हम लोग का अर्घ हो गया है। जी हाँ, अर्घ हम लोग दे दिए हैं और अब जी हाँ बैठाने का जो रस्म होता है, वैशाख का इतवार हर लोग बैठाते हैं तो हम लोग भी बैठाएंगे। तो किस तरह से हमारे यहाँ इतवार, वैशाख का इतवार बैठाया जाता है वो आप लोग देखिए। और यहाँ पे मम्मी को देख सकते हैं, ये जो तख्ती है, पीढ़ा है, इस पे रखी है जी हाँ पूजा का जो थाली होता है उसको। और उसके बाद अब जो है वो रस्म होगी, तो आप लोग बने रहिए। 6 महीने के भाड़ा उतरल। छः महीने के भाड़ा उतरल। इस तरह से वैशाख का इतवार जो है वो सौंपा जाता है। जी हाँ, उद्यापन किया जाता है। और उसके बाद जी हाँ भगवान से प्रार्थना, सूर्यदेव से प्रार्थना किया जाता है कि कोई भी इंसान, हम हो या आप हो, कोई भी पूरी तरह से नियम से नहीं कर पाता है या नियम से करते भी है तो कुछ ना कुछ भूल चूक हो ही जाता है, उसकी माफ़ी मांगनी ज़रूरी है। तो वही माफ़ी मांगते हैं सारे लोग। तो यहाँ पे वही भगवान से क्षमा मांगते हैं कि कोई भी गलती हो तो माफ़ कर देना। और इस कलयुग में अगर साक्षात कोई देव हैं तो वो हैं सूर्य देव, जिनको लोग अपने नेत्र से देखते हैं इस कलयुग में। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी फैमिली फ़ोटो होता है, वीडियो होता है, तो थोड़ा सा बने रहिए। और उसके बाद खरना कैसे करते हैं हम लोग वो भी बताएंगे। जी हाँ, और अघन का इतवार कब है ये भी मैं बताऊंगी, तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। और यहाँ पे पूजा का, जी हाँ पूजा का दोनों सूप रखा हुआ है, देख सकते हो। और यहाँ पे हम दोनों आदमी हैं और यहाँ हमारी जो छोटे से देवर जी हैं, जी हाँ सोनू जी, वो हम लोग को पेटाप करने के लिए आए हैं यहाँ पे, देख सकते हो। और उसके बाद और भी दिखाती हूँ बाहर का व्यू कैसा है। मेरे छत के बाहर का व्यू देख सकते हो, राउंड राउंड घुमा के रिकॉर्ड किया गया है। और यहाँ पे फाइनली मेरा पूजा रूम, जी हाँ पूजा रूम, आप लोग अक्सर हमारे पूजा रूम देखते हैं और कहते हैं मेरा पूजा रूम बहुत अच्छा है, तो इसके लिए थैंक्स। और यहाँ पे पूजा का जो बर्तन है वो भी देख सकते हो, यहाँ पे पूजा का फिर आगे चारों तरफ से घुमा के एक बार राउंड दिखा दूँ। और जब हम लोग पूजा कर लिए थे तो एक और छत पर हो रहा था, तो मैं उसको जूम करके दिखा रही हूँ, तो वो भी आप लोग देखिए। ये है दूसरे तरफ का व्यू, देख सकते हो। और कैसा है व्यू ये भी बताना, क्योंकि ये टाइम है 3 या 4 बजे तक हम लोग पूजा कर लिए थे, उस टाइम का ये बाहर का नज़ारा है। और उसके बाद जब हम लोग कर लिए तो एक लेडीज भी कर रही थी, तो उनको भी मैं अपने ब्लॉग में ली, लेकिन बहुत धुंधला, बहुत दूर में थी तो जूम करके कैमरे से ली थी। तो देख सकते हो यहाँ पे सिंदूर लग रहा है इनको। और बहुत लोग जो है वो 30 तारीख वाला करेंगे, जी हाँ हम लोग 23 को ही कर लिए थे। और यहाँ पे मम्मी जो है वो खरना का प्रसाद निकाल रही है, दो खरना का थाली है, देख सकते हो, दो लोगों का, मेरा और मम्मी का। और यहाँ पे जो है पूजा जो हुआ था उसका है। और उसके बाद बने रहिए। और आप लोग को बता दूँ, अघन में 2023 में अघन में दो इतवार पड़ने वाला है, एक है 17 और दूसरा है जी हाँ 24 को, जी हाँ 24 दिसंबर को पड़ने वाला है। तो ये दो इतवार आप लोग कर सकते हो। और फाइनली आप लोग को बता दूँ, कोई भी पूजा करे तो सबसे पहले तुलसी दल मुँह में लगाया जाता है, तो वही तुलसी दल हम लोग मुँह में लगा रहे हैं। तुलसी दल लगाने के बाद हम लोग जी हाँ खरना करते हैं। खरना करने के बाद यहाँ पे प्रणाम कर रहे हैं, जी हाँ फिर से प्रणाम किया जाता है। और उसके बाद जब हम लोग नीचे गए
तो मम्मी प्रसाद सबको देने के लिए निकाल रही थी, तो वो भी मैं रिकॉर्ड कर ली। और उसके बाद पारण के बारे में आप लोग पूछ रहे थे कि पारण कैसे किया जाता है छठ इतवार का, तो जैसे आप अदर डे पूजा करते हैं पारण करते हैं उसी तरह से किया जाता है। लेकिन हाँ, इसमें भी अगर पारण करने से पहले तुलसी दल को मुँह में लगाया जाता है उसके बाद ही पारण किया जाता है। तो कैसा लगा आप सभी को हमारा ये वैशाख का इतवार, आप सभी को हमारा ये वैशाख का इतवार व्रत, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा अगर आपका छूट गया हो तो। जी हाँ, लास्ट है 30 अप्रैल, आप उस दिन कर सकते हैं, और मैं अभी जो की हूँ वो 23 अप्रैल वाला की हूँ। तो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट।